गोहाना में पानीपत रोड पर गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। पीड़ित दीक्षित सैनी ने बताया कि जेके गार्डन के साथ उनकी जमीन है और वहां पर फॉर्म हाउस बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने कई लाख रुपए लगाकर गेट व अन्य निर्माण करवाया। दीक्षित ने आरोप लगाया कि जेके गार्डन के मालिक संदीप सैनी ने आज सुबह जेसीबी बुलवाकर उसका गेट तोड़ दिया और उसे निर्माण न करने की धमकी दी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से सुबह जेसीबी दीक्षित व उनके परिजनों के आने के बाद भागते हुए नजर आ रही है। दीक्षित ने बताया कि संदीप बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखता है और मुख्यमंत्री नायब सैनी के नाम की धमकी देता है। दीक्षित ने बताया कि राजनीतिक प्रभाव के चलते उसकी पुलिस कंप्लेन भी अभी तक दर्ज नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, दीक्षित का कहना है कि संदीप और उसके पिता वीर सिंह ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। दीक्षित ने गुहार लगाई है कि उसका लाखों का नुकसान हो गया है, उसे न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीक्षित है जी। दीक्षित है, क्या बात हुई? सर, मेरा यहाँ पे पानीपत रोड में जेके गार्डन के बिल्कुल साइड में मैं अपना डेयरी थी उसका गेट वेट लगा था, फार्म हाउस गार्डन में कन्वर्ट कर रहा था। उसमें मेरा 8-10 लाख रुपए लग गए। कल एक ये संदीप है जेके गार्डन वाला और एक उसके पिताजी वीर सिंह खानी जी, ये कल आए, कल भी आए थे। इन्होंने चोरी वोरी का प्रयास भी किया है, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। और आज सर इन्होंने सुबह साजिश करके पूरी रात इन्होंने मेरे पूरे गेट का तोड़वा दिया है, बिल्कुल ख़राब करवा दिया, सारा रोड वगैरह तोड़ दिया। 18-18 फुट के 2 गेट थे सर, वो भी तोड़ दिए। 10-15 लाख रुपया सर मेरा नुकसान कर दिया। और जेसीबी से तोड़वाया सर, और जेसीबी वाला मेरे ऊपर चढ़ा दिया, उतनी मुश्किल से बचाऊँगा गाँव वालों को बचा के बुला के। तो इसकी पुलिस कंप्लेंट नहीं करी आपने? सर, मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की थी, उस पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। वो जेसीबी मैंने मारा पकड़ी थी, वो अभी तक वहीं खड़ी है, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई है। और जेसीबी वाला सर भाग गया वहाँ से, मारा से खड़ी करके उसको। तो ये क्यों तोड़ा है आपका? सर, वो जड़त खोड़ी में तोड़ दिया सर, बोल रहा था कि बैंकेट मत बनाओ, यहाँ पे मेरा मेरा चलेगा। नायब सैनी की धमकी देता है सर मेरे को, राजनीतिक आदमी है, बीजेपी का आदमी है सर, वो धमकी देता है। मैं नायब सैनी से ये करा दूंगा वो करा दूंगा, एक बंदूक है सर उसकी भी धमकी दे देता है। मेरा पैसा मार पिटाई भी किया सर उसने कल। तो क्या चाहते हो सर? मेरे साथ न्याय हो और मेरे नुकसान की भरपाई हो सर। 8-10 लाख रुपया सर ब्याज बट्टे पैसे उठा के लगाए थे हमने सर। आपकी कितनी ज़मीन है वहाँ पर? सर, मेरी ज़मीन 2-2.5 किले के आसपास है सर, जिसमें मैं बना रहा हूँ निर्माधीन है। तो वो आपकी है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं वहाँ पर? डिस्प्यूट सर कुछ भी नहीं है, मेरे पापा के नाम इंतकाल है, रजिस्ट्री है, सब कुछ है, फर्ज है, सब कुछ मेरे पिताजी के नाम है, फिर भी तोड़ दी सर। भाई इसलिए नहीं बनाने दे रखे भैया आप? हाँ, गार्डन मत बनाओ। हाँ जी सर, ये बनाने नहीं दे रहा, दबाव करता है सर। सुबह भी गुंडे गुंडे बिठा रखे थे, जब मैं वहाँ पहुँचा मौके पे तोड़ रहे थे, मेरे पास वीडियो वगैरह सब कुछ है। मैंने गांव वालों को बुला के तब वो गुंडे भागे, तभी जेसीबी वाला भाग गया वहाँ से।